क्या आप लोगों को बहुत ज्यादा जज करते हैं? अगर हाँ तो जज करना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जज करने वालों के लोग कम ही करीब आते हैं। ना वो ज्यादा शेयर करते हैं और ना ही अपने रियल पर्सनालिटी दर्शाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमें हर बात पे, हर व्यवहार पे जज किया जाएगा, हमारे बारे में एक धारणा बना ली जाएगी। बेहतर होगा किसी के बारे में एक दो घटना या बातों से राय ना बना ले, लोगों को बेनिफिट और डाउट जरूर दे, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। क्या आप सुनते कम और बोलते ज्यादा है? अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो अपनी ही बात रखते हैं और किसी की सुनते नहीं है। ऐसे लोगों से अपने भी कुछ कहने से कतराने लगते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा श्रोता होना बेहद जरूरी है। कहीं आप दूसरों में हमेशा गलतियां और कमियां तो नहीं निकालते? कई लोगों की आदत होती है खुद को परफेक्ट समझते हैं और सामने वाले को हमेशा सिखाते रहते हैं। जरा सी चूक होने पर इतना सुनाते हैं कि जैसे उनसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुमको तो यह जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी। कब सीखोगे? इस तरह के वाक्यों के प्रयोगों से जो लोग बचे रहते हैं वो रिश्ते बनाए रखने की कला में माहिर होते हैं। क्या अपनों के लिए कभी कुछ खास करने की सोचते हैं आप? सिर्फ रूटीन तरीके से रिश्तों में बने रहना आपके रिश्तों को बोरिंग बना देगा। रिश्तों को अगर निभाना है तो रूटीन को थोड़ा ऊपर उठाकर सोचना और करना होगा। कभी सरप्राइज, कभी कुछ खास प्लान करने में अगर आप माहिर है तो रिश्ते निभाने की कला भी आप बेहतर जानते हैं। क्या आप किसी के व्यक्तित्व को जैसा वो है वैसा ही अपनाने से कतराते तो नहीं? हर इंसान अलग होता है। अगर हम ये सोचें कि सब हमारी ही तरह हो तो यह मुमकिन नहीं। किसी में कोई कमी कमजोरी तो किसी में कुछ अलग गुण भी होंगे। अगर हम किसी को उनके व्यक्तित्व के साथ ही अपनाते हैं तो रिश्ते बनाने और निभाने की कला में माहिर माने जाएंगे। क्या आप किसी के व्यक्तित्व को जैसा वो है वैसा ही अपनाने से कतराते तो नहीं? हर इंसान अलग होता है। अगर हम ये सोचें कि सब हमारी ही तरह हो तो यह मुमकिन नहीं। किसी में कोई कमी कमजोरी तो किसी में कुछ अलग गुण भी होंगे। अगर हम किसी को उनके व्यक्तित्व के साथ ही अपनाते हैं तो रिश्ते बनाने और निभाने की कला में माहिर माने जाएंगे। क्या आप स्वार्थ या अपना काम निकलवाने के लिए तो रिश्ते नहीं बनाते? कई लोग आजकल यारी दोस्ती ही नहीं, प्यार और शादी भी मतलब के लिए ही करते हैं। पैसे को देखकर या आगे चलकर अपने फायदे को देखकर ही रिश्ते बनाते व तोड़ते हैं। अगर आपकी यही सोच है तो आप कभी भी सही रिश्ते नहीं बना पाओगे। ऐसे मतलब के रिश्तों की उम्र अधिक नहीं होती और ऐसे लोग रिश्ते बनाने और निभाने की कला जानते ही नहीं। रिश्तों में भावनाओं को महत्व ना देकर अन्य चीजों को ज्यादा जरूरी मानते हैं। पैसा, जिम्मेदारी, गुण अवगुण इत्यादि चीजों को अगर आप भावनाओं में ऊपर रखेंगे तो मात खा जाएंगे। किसी भी रिश्ते में प्यार, केयर और शेयर की भावना सबसे जरूरी होती है। अगर आप में इन भावनाओं के लिए सम्मान है तो आप रिश्ते बनाने और निभाने की कला बखूबी जानते हैं। रिश्तों में ओवर पजेसिव या शकी तो नहीं हो? रिश्तों में बेहद जरूरी है कि आपके साथ बंधे लोगों को घुटन ना महसूस हो।
अगर आप हर बात पर रोक टोक करोगे, बहुत अधिक सवाल जवाब करोगे और सामने वाले को बांध कर रखने की कोशिश में ही रहोगे, तो अच्छे रिश्तों को खो दोगे। शक करना और पजेसिव होना एक सीमा तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बाद में यह रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। इसलिए भरोसा करना सीखें। क्या आप दूसरों का सम्मान नहीं करते? हर बात पर खुद को बड़ा दिखाने के लिए अक्सर लोग अपनों का ही अपमान कब करने लगते हैं, खुद को उन्हें भी अंदाजा नहीं होता। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं, तो संभल जाइए। रिश्तों में छोटे से लेकर बड़ों तक का सम्मान बेहद जरूरी है, क्योंकि सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे और उनका विश्वास भी जीत पाएंगे। जिम्मेदारी से भागते तो नहीं? कई लोग अपने हक की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझते। जिम्मेदारियों को बांटने की कला ही आपको रिश्ते निभाने की कला में माहिर बनाएगी। सबको साथ लेकर चलना जरूरी है और उसके लिए जिम्मेदार बनना भी।